Hey guys, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम जो आज से 4.6 बिलियन साल पहले बना था, जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद उन सभी तमाम प्लैनेट्स जो कि हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाते रहते हैं। बट यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारे सूरज 4.6 बिलियन साल में कितने बार हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा चुके हैं। और हमारे साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार आज के अरबों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि दो सूरज हुआ करते थे। दोस्तों, लगाना झटका, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। बट आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, आखिर हमारा दूसरा सूरज कहाँ गायब हो गया? तो हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा सोलर सिस्टम खोज निकाला है जिसमें कि एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 सूरज मौजूद है। आखिरकार यह सोलर सिस्टम कहाँ मौजूद है और एक सोलर सिस्टम में 6 सूरज कैसे मौजूद हो सकते हैं? यह अमेजिंग, हेल्पफुल और दिमाग को चकरा देने वाला इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल रफीकुल अमेजिंग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं ज़मीन से 7000 लाइट ईयर्स दूर सेंटर कॉन्स्टेलेशंस में मौजूद, इसको सबसे पहले 1967 में ऑब्जर्व किया गया था। 1979 में टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था, लेकिन हमें इसको हवल टेलीस्कोप की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से 1999 में देखा था। हवल टेलीस्कोप की मदद से ली गई तस्वीरों से हमने यह ऑब्जर्व किया कि इस नेबुला की सेंटर में दो स्टार्स एक दूसरे में ऑर्बिट करते रहे हैं। इनमें एक रेड जेंस स्टार है और दूसरा वाइट ड्वार स्टार है। नेबुला को डब्ल्यू रे 1647 और HEN 2104 कहा जाता है। ये नेबुला साउथ इन स्काई में मौजूद है और ये नॉर्थ ई स्काई में दिखाई देने वाला करप्ट नेबुला से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसकी वजह से इसे साउथ इन क्रैब नेबुला स्काई कहा जाता है, जिसके अंदर दो स्टार एक दूसरे से ऑर्बिट करते रहते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक कई सालों बाद दोनों स्टारों के बीच एक एक्सप्लोजन होगा, इसी वजह से जोम्बिया स्टार की इन्फॉर्मेशन होगी। जोम्बिया स्टार एक ऐसा स्टार है जो स्टार के एक्सप्लोजन की वजह से बनते हैं। अब बात करते हैं कि एटम की, यह एक पर सवाल आता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में बनने वाला एटम कौन सा है और सबसे पहला कौन सा एटम बना था। अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में 13 अरब साल पहले मौजूद में आए थे। उस वक्त पूरे कायनात इतना ज़्यादा गर्म था कि उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आइटम बनना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब हमारे कायनात बनने के 3,80,000 साल बाद हमारे कायनात थोड़ी सी ठंडी हुई तो मौजूद में न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने लगे, जिसकी वजह से एटम बनने। और साइंटिस्टों के मुताबिक सबसे पहले हीलियम 4 और हीलियम 3 बने थे और पूरे कायनात में बनने वाला सबसे पहला एटम थे। अगर बात की जाए मॉलिक्यूल की तो सबसे पहले बनने वाला मॉलिक्यूल हीलियम हाइड्राइड था, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन के 400 करोड़ से भी अधिक स्टार और प्लैनेट मौजूद है कॉम्बिनेशन से बना था। इसके बाद बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की, 4.6 बिलियन साल पहले बना था, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का आयु 4.6 बिलियन साल है और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का उम्र 13 अरब साल से है, जिसमें जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूरज भी 230 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिल्की वे सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सेजिटोरियस स्टार का चक्कर लगाते हैं और यह अपना एक चक्कर 23 करोड़ सालों में पूरा करता है और 4.6 बिलियन सालों में 20 दफ़ा मिल्की वे का सेंटर को ऑर्बिट किया है, यानी कि इसका उम्र 20 साल है। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं हमारे सूरज की, जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में राजा है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम को ढूंढा और फिर 3 स्टार वाले सोलर सिस्टम को ढूंढा और अब 6 स्टार वाले सोलर सिस्टम को हमारे साइंसदानों ने ढूंढ निकाला है। 1 स्टार वाले सोलर सिस्टम को लोनर सोलर सिस्टम कहते हैं और 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम को बाइनरी सोलर सिस्टम कहते हैं और 3 स्टार वाले सोलर सिस्टम को ट्रिपल स्टार सोलर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमारे सूरज अकेला है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक करोड़ों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में भी 2 सूरज हुआ करते थे। दूसरा स्टार हमारे सोलर सिस्टम से 5 अरब किलोमीटर से भी अधिक दूर था। इतनी ज़्यादा दूर होने की वजह से दोनों स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से इफेक्ट नहीं कर रही थी, इसी वजह से दूसरे वाले सूरज हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। अब बात करते हैं 6 स्टार वाले सोलर सिस्टम की, जो हमारे
धरती में 51 लाइट ईयर्स दूर जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एस्ट्रोल स्टार सिस्टम है, जिसमें 6 स्टार मौजूद है और ये सब एक दूसरे पर ऑर्बिट नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। और इसमें 3 बाइनरी सिस्टम है, यानी कि सोलर सिस्टम के 2-2 स्टार के 3 पेयर्स है। यह सोलर सिस्टम का नाम कंस्टल है। अगर हम यह जमीन से देखेंगे तो हमें एक ही नज़र आएगा। सोलर सिस्टम में 2 स्टार जो ये क्लास के मेन सिक्वेंस स्टार में आते हैं, जिनका साइज हमारे सूरज से बहुत बड़े है। इसके बाद यह एक मेंटल से बना हुआ एक एम स्टार है और 3 रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा छोटे है। तो रफीकुल अमेजिंग ट्रिक के दोस्तों, आज का यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।